सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का काफ़ी दिनों के बाद मैं एक छोटी सी अपडेट में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि दोस्तों ये अपडेट है दोस्तों गाजियाबाद से रिलेटेड, जो कि मधुबन बापू धाम औद्योगिक क्षेत्र में अभी कॉलोनियाँ कट रही हैं GDA की साइड से, GDA बना रहा है और वहीं पर देखो ये रोड बनाई जा रही है। तो अभी बनकर कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अभी काम चल रहा है। ड्रेनेज बनाया जा रहा है, सीवर लाइन डाली जा रही है दोस्तों, और इलेक्ट्रिसिटी की वायर के खंभे लगाए जा रहे हैं, रोड को बनाया जा रहा है। तो अभी यही काम चल रहा है दोस्तों। और आप सभी को बता दें, जब ये चीज़ बनकर कंप्लीट हो जाएगी, जब इसके क्या रेट होने वाले हैं, वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में जवाब देता रहूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और एंजॉय करो। और आप अगर इस साइड में ज़मीन लेना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि ये मधुबन बापू धाम सदरपुर के पीछे पड़ता है और काफ़ी सारी रेलवे लाइन पर दोस्तों फ्लाई ओवर भी बनाया जा रहा है, तो कनेक्टिविटी की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ये मधुबन बापू धाम की जो रोड है दोस्तों, उससे ये रोड को जोड़ दिया जाएगा। तो अभी काम चल रहा है, क्योंकि अभी तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो इसी वजह से काम थोड़ा स्लो हो चुका है। जैसे ही ये रेनी सीजन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में इस पर धड़ल्ले से काम चलने लग जाएगा। और फिर आप सभी को एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, सारी रोड बन चुकी हैं दोस्तों। और आप लोगों को बताऊं कि दोनों साइडों में अभी खेत है, हरियाली हरियाली आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर गाय भैंसों के लिए दोस्तों अभी क्या ज्वार बोया हुआ है किसानों ने, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेयरियाँ हैं अगल बगल में। और आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ तो सारा का सारा क्या सिटी है, तो सिटी की ही वजह से ही यहाँ पर ये सारा काम चल रहा है। देख सकते हो ये वाली रोड, अगर हम यहाँ पर ये मिट्टी पड़ी हुई है, इधर सीधे चले जाते हैं तो मेरठ रोड से कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आगे पड़ेगी रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन पर बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, जो कि दोनों साइड में तो GDA ने बना दिए हैं। अब बीच का जो मेन पार्ट है रेलवे लाइन का, वो बचा हुआ है, वो तो रेलवे ही बनाएगी, क्योंकि ये सारा कुछ रेलवे के अंडर में आता है दोस्तों। तो जो रेलवे लाइन के ऊपर का काम है दोस्तों, वो सारा रेलवे देखेगी। तो इसी वजह से भी पेंडिंग है, बाकी दोनों साइड के क्या उधर के भी इधर के भी दोनों रैंप बन के तैयार हो चुके हैं, गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, उस पर फ्लोर वर्क भी हो चुका है। दोनों मतलब दोनों साइडों में ही काम कंप्लीट है, पर बीच का हिस्सा बचा हुआ है दोस्तों। और आप सभी बताना कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। मैं कोशिश यही करूँगा कि आप सभी को पर डे एक अपडेट देखने के लिए मिले KP संत के चैनल पर दोस्तों, क्योंकि राइट हैंड पर ये GDA का पार्क बना हुआ है दोस्तों, काफ़ी लंबा चौड़ा पार्क है और रोडें बन चुकी हैं पहले ही। और आप सभी को बता दूं, अगर गोविंदपुरम से आते हो और आप लोगों को NH 58 पर अगर जाना है दोस्तों, दवाई के लिए जाना है, RRTS की ट्रेन रेल नहीं है, तो इसी रूट को आप फॉलो कर सकते हो, जा सकते हो दोस्तों पीछे होकर। और हम चल रहे हैं अब गोविंदपुरम के लिए। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। देखो जितने भी आप लोगों को बताऊं कि जो राइट हैंड पर जमीन देख रहे हो ना, ये जितनी मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर ड्रेनेज बनाया गया है दोस्तों, और इसका सीवर लाइन की लाइन डाली जा रही है, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुई है। जितनी भी आप कॉलोनी कटनी स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि ये सारी मधुबन बापू धाम औद्योगिक क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। सारी रोड बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।